स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल सा बना हुआ है कि कहीं पर इसके सिलेबस में जूलॉजी और बॉटनी नहीं दिया है, क्या इसमें जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा क्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो बातों पर फोकस करने वाला हूँ। पहला तो आप लोगों के मन में जो ये सवाल है कि इसमें जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा कि नहीं। दूसरा सवाल जो एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग है आप लोगों के मन में कि इसका एग्ज़ाम किस महीने में होगा, दोस्तों ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, पहला तो ऑफिशियल नोटिस जो आया था उसको देख कर आप लोग जानना। दूसरा, मैं खुद यहाँ पर हेडक्वार्टर पर जो कि पूछताछ किया था वो आप लोग खुद ही देखिए, खुद ही आप लोग समझ जाओगे कि इसमें कहीं पर भी जूलॉजी का पार्ट नहीं है, आप लोगों का जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलता रहे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले आप लोग देख लीजिए उसमें क्या बताया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनरल साइंस में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ही बताया गया है, यानी यहाँ पर कहीं पर आप लोग जूलॉजी बॉटनी नहीं देखोगे। दोस्तों, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही प्रोवाइड किया था, लेकिन आज ये जब बात आई सिलेबस की तो मैं आपको सिलेबस के द्वारा ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मैंने RTI के थ्रू जवाब पूछा था वहाँ पर भी इसका केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ही बताया गया था, इसमें कहीं पर आपका ये जूलॉजी बॉटनी का जिक्र नहीं हुआ था। दोस्तों, इसका मतलब है जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके AWO TPO में नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हो 12 लेवल का आपका रहेगा साइंस का लेवल, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कौन कराएगा तो आप लोग यहां पर देखिएगा, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE विल बी कंडक्टेड बाई दिल्ली पुलिस। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा ही आपकी ये परीक्षा आयोजित कराएगी। अगला देखिए दोस्तों, परीक्षा में आपका साइंस पूछा जाएगा कि नहीं, यह बात तो क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों, अब बात कर लिया जाए अगर इसकी परीक्षा डेट की, तो दोस्तों परीक्षा डेट के रिगार्डिंग मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे ही रखा था, लेकिन यहाँ पर बताने योग्य बातें यही है कि अप्रैल में आपकी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल AWO TPO की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अप्रैल लास्ट तक आप लोग मान लीजिए दोस्तों, फर्स्ट वीक में नहीं सेकेंड वीक के बाद ही उम्मीद है कि आपकी यहीं से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, और कम से कम दोस्तों 15 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। आप लोग इस पर जो कि फोकस करिए बिल्कुल। यदि आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में भर्ती होना चाहते हो, अपना एक सीट फिक्स करना चाहते हो, तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।